बोरो आ रही हूँ, कोई भी अच्छा नहीं। कोशिश में लगे हैं मुझे। हम लोग का इतना साथ ले जाएगा। खा रहे हो? वहाँ खा रहे हो? इधर क्या हो रहा है? खड़ी बाप रे बाप, इतना ऑयल ना ऑयल खा जाते हैं लोग। इधर क्या किसी की सब्जी बन रही है? बोरो बोरो और आलू। बोलो का बोलो है? बोरो आलू। बोरो आलू हाँ। कैसा होता है? होता है और ये होता है क्या, वाइन कलर भी होता है तो वाइन कलर वाला लाया। आप वाइन कलर वाला लाया? नहीं, मुझे कोई भी अच्छा नहीं। आओ इसका पता लगा। अरे ये है, ये है, ये रखे रखे मुझसे पकड़ जाएगा। कहाँ है नमकीन? ये क्या है? बहुत सारा डब्बा तो तेरे पास था ना। पिस्ता। पिस्ता तो हम तो सोच रहे थे पिस्ता है नहीं? है। है। यहाँ सब्जी में हल्दी डाल दे रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। सब्जी बन के रेडी हो चुका है, कट करके देख लेती हूँ, कट जा रहा है, बस इसको थोड़ा और ड्राई होने देते हैं। सब्जी बन के रेडी हो चुका है, एक मिनट और छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। इधर ये कूलर रखने की कोशिश में लगे हैं, मुझे बुलाए हैं बट मैं मना कर। ये देखिए गाइस, ठीक है, यहाँ थोड़ा रहता है। उसके बाद दोस्तों कूलर हटाना था, क्योंकि कूलर तो हमारे घर में ना जुलाई से ही नहीं चल रहा है, जुलाई से ही बंद हो गया था, बट यहीं पे रखा हुआ था। फिर हम ये नीचे वाला विंडो जो है ये लगा दिए और ये कूलर साइड में रख दिए थे। पहले ये कूलर एकदम कॉर्नर में रहता था, बट अभी वहाँ पे सारे डब्बे वगैरह रख दिए हैं तो इसीलिए इस साइड में है। लेकिन ये ना नीचे वाला बोले कि विंडो लगा देते हैं ना तो ये सही रहेगा, यहाँ स्पेस बन जाएगा। तो फिर मैं बोली ठीक है, तो वहीं पे कूलर रख देंगे जहाँ पहले था, बस इधर से घुमा के रख देंगे और उस पर सामान भी रख देंगे। बस यही ना थोड़ा सा हेल्प कोई ना कोई किसी की लेनी पड़ती है। एवरीवन, तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ जो मैंने मंगाया है और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो दोस्तों मैं आपके साथ ना जूसा शेयर करने वाली हूँ और ये है अगारो का, देख सकते हो बहुत ही लाइट वेट है एंड इसका लुक देख सकते हो कितना अच्छा है। एंड इसमें हम ऑरेंज के जूस निकाल सकते हैं, मौसमी के निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हम जूस निकाल सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी, किस तरीके से इसका पूरा फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोग इसको ले सकते हो, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, जिसको भी लेना है ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड दोस्तों इस जूसर का जो मोटर है ना वो 80 वॉट का आता है और साथ ही साथ इसमें हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट जार। तो फ्रंट साइड में हमें यहाँ पे पुश बटन मिल जाता है, जब हम इसको प्लग में लगाएंगे उसके बाद ये पुश बटन ऑन करेंगे और किस तरीके से इससे जूस निकलेगा, चलिए आगे मैं आपके साथ पूरी रिव्यू शेयर करती हूँ। एंड इसके साथ जो ये पावर कॉर्ड दिया है ये 1.2 मीटर दिया हुआ है, तो चलिए इसको यूज करके दिखाती हूँ, साथ ही साथ इसके बारे में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों ये है अगारो का इलेक्ट्रिक सिट्रिक जूसर, बहुत ही ज़्यादा इजी है इसमें जूस निकालना और 1 ईयर वारंटी के साथ हमें मिल जाता है। साथ ही साथ 2 ml की कैपेसिटी दी हुई है और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, ईजी टू क्लीन है। लेकिन आप इसको क्लीन करोगे तो आप डिश वाशर में मत डालना एंड साथ ही साथ इसका जो बेस है ना इसको मत वॉश करना। और यहाँ पर देख सकते हो उसका पूरा लुक और ये ऑटोमेटिक जूसर है, इसमें आप ऑरेंज लेमन ग्रेप फ्रूट्स के जूस निकाल सकते हो और अदर भी फ्रूट्स के निकाल सकते हो आप। एंड दोस्तों इसमें 200 ml BPA फ्री जार दिया हुआ है, BPA फ्री कवर है और जूसिंग कोन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं मौसमी को बीच से हाफ से कट कर ली हूँ और उसके बाद मैं इसका ही जूस निकालने वाली हूँ। तो
चलिए इसमें मैं जूस को निकाल के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने कट कर लिया है फ्रूट्स को, उसके बाद ये है जार और इसमें एक कोन दिया हुआ है, इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जब भी आपको वॉश करना होगा तो ये सारी चीज़ें आपको निकाल के तब वॉश करना है, उसके बाद आपको इसको कोन को फिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैं मौसमी इस तरीके से रख रही हूँ एंड ऊपर का जो लिड है ना उसको मैं लगा दूंगी और ये अच्छी तरीके से लॉक भी हो जाता है। जब भी आप इसको लगाओगे तो मतलब आप हैंड फ्री करके आप इसमें जूस निकाल सकते हो। देन लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार और प्रेस करना है जिससे जो जूस निकलना जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जूस निकलना स्टार्ट हो चुका है और आराम से इससे साइड से जूस भी निकल रहा है। आप एक साइड में कोई भी बर्तन रख सकते हो जिसमें जूस निकल के गिरेगा। एंड दोस्तों आपको अगारो के प्रोडक्ट और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। इस जूसर के अलावा आपको नॉन स्टिकी बर्तन या फिर ग्लास वाले बर्तन बहुत सारी चीजें अवेलेबल। तो गाइस देख सकते हो कितने इजीली इसमें से जूस निकल रहा है। मॉर्निंग टाइम में अगर आपको फटाफट जूस निकालना है ऑफिस जाने से पहले तो आप निकाल सकते हो। ये देखो कितना एकदम क्लीनली निकलता है, एकदम खाली खाली सा हो जाता है। सो मैं इसी तरीके से सारा जो मौसमी जितना कट की हूँ सबके जूस मैं निकाल लूंगी। तो गाइस ये लास्ट मैं निकालने जा रही हूँ, मतलब ये सारा मैंने निकाल लिया है और ये लास्ट वाला है क्योंकि यहाँ पे जूस भर गया है। तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से जूस मैंने निकाल लिया, उसके बाद मैं इसको एक ग्लास में डालूंगी और इन्जॉय करूंगी। अगर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है जो सो आप लोग ले सकते हैं। सो दोस्तों चलते हैं ब्लॉग की तरफ। और बस अभी ये फिक्स हो गया है और यहाँ बहुत सारा डस्ट जमा हुआ था क्योंकि यहाँ पे कूलर रखा हुआ था, वो डस्ट को मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और ना आज हमें बाबू को लेके जाना था डॉक्टर के पास भी, और मैं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को भी बता ही नहीं हूँ कि बाबू को क्या हुआ है, बट हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। लास्ट ब्लॉग में हॉस्पिटल में का कुछ क्लिप मैंने कट कर दिया था जिसमें मैंने बताया था, तो उसको मैंने कट करके निकाल दिया था, आप लोगों से शेयर नहीं करी थी। एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट था ना, और पता है क्या होता है हमारा मशीन का जो पानी है वो फ्लो ओवरफ्लो होता है, तो कई बार इधर यहाँ भी पानी यहाँ तक आ जाता है तो दाग हो गया था। तो इसको भी मैं अभी साफ़ सुथरा करूँगी, देन कूलर को यहीं पर रखना है और उसके ऊपर आलू प्याज वगैरह मैं रख देती हूँ क्योंकि पीछे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि स्पेस है हमारे घर में, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है मैं पीछे ही ज़्यादा रखा करती हूँ। देन ये विंडो जो है ना इसका ग्लास अभी ये लग गया है और अंदर से मैं जाके देखूँगी कि अंदर से सही से लगा है कि नहीं, क्योंकि उसको बांधना पड़ता है। देन ये एक्स्ट्रा फ़ैन एक रखा हुआ है, स्टैंड फ़ैन है। तो ये स्टैंड फ़ैन ना यूज़ नहीं होता है, पहले ये यूज़ करते थे, पहले मैं भी यूज़ करती थी, बट इसको अच्छे से रख दिए हमने उसको कवर करके अच्छे से पॉलीथीन से बांध के ताकि उस पर डस्ट ना लगे, क्योंकि कभी ना कभी तो यूज़ होना ही है। देन एक साइड वाला भी मैंने विंडो बंद कर दी और ये देखिए कूलर यहाँ पर लग गया है। अगर कभी टाइम मिला सारा सामान निकालने का ना तो कॉर्नर में कर दूँगी, एकदम कॉर्नर में वहीं पर पहले था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही रख देते हैं। वैसे कूलर की ज़रूरत तो है नहीं, मैंने इसको जून में ही साफ़ कर दिया था जब हम घर गए थे ना, घर जाने से पहले मैं कूलर साफ़ करके गई थी, वहीं साफ़ है, उसके बाद हमने इसमें पानी डाला ही नहीं अभी तक। तो बस अब उतना रहता नहीं है, जितना थोड़ा बहुत काम चला तो एसी चल जाता है तो हो जाता है, और उस टाइम पे बहुत गर्मी होती तो कूलर चलाना ही पड़ता था। एंड थैंक यू दोस्तों, आप सब मेरा इतना सारा सपोर्ट किए हैं बाबू को लेके, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। एंड बाबू का ना बर्थडे भी आ रहा है, आज है उसका बर्थडे, मतलब 11 सितंबर को। तो मैं अभी पोस्ट डाली नहीं, अभी पोस्ट डालूंगी, सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं नहीं पोस्ट कर पाई कम्युनिटी भी, तो मैं उसका ब्लॉग भी जल्दी ही डालूंगी, उसके बर्थडे का ब्लॉग। सर पूजा का ये पहले मंदिर में रखा था, अब इतना एक्स्ट्रा सामान बढ़ गया है पूजा का। पहले छोटा मंदिर था, बड़ा मंदिर हुआ, बड़ा मंदिर के बाद भी ये मंदिर के नीचे जगह बना इसी में रखाएगा, तो अब इसके बाद हम लोग का इतना सब घर में सामान का जगह बनाया गया तो भगवान जी के लिए इतना समय से जगह दे सकती क्या? इसका कलर ना हटा दो। प्लांट्स निकल गए, जाइए जब तक होगा करेगा, शुरू होगा तब तक आप आ जाइएगा। सारे प्लांट्स इधर हो गए देखो, ऊपर करना होगा पता नहीं ऊपर
पूरा ही निकल गया इधर का, कुछ बचा ही नहीं है। इस पर क्या होगा, पेंट होगा इस पर क्या होगा, पेंट होगा। ये नहीं रहता ना, हाँ अभी तक सारा तो निकाल दे रही हूँ उसको, सूख जाएगा, नहीं सूखेगा, सूख जाएगा। इधर से पत्ता निकल रहा है, ये देखिए ग्रीन ग्रीन। चलो हाथ में उठा के ले जाएगा, बढ़िया से एकदम रखेगा तब पहनेगा इसको। हाँ देखिए आराम से पहनेगा। पैंट अच्छा खासा फूल पहना था, निकाल के रख दिया। अब लाइट गए, जला के चले आए। गलती मारे से हो, चार चार बार बंद कर चुकी मैं तब से। गलती मारे से हो गई। चलिए उसके बाद दोस्तों स्पर्श के बर्थडे की शॉपिंग करनी थी, उसके लिए हम लोग आ गए थे यहाँ पे मार्केट में। और मैं तो वैसे अपने लिए तो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा ही करती हूँ, ऑफलाइन में बहुत ही कम लेती हूँ, साल में एक या दो बार ही कुछ ले पाती हूँ। बट इनका मन था स्पर्श के लिए, हमने ले लिए हैं जो भी लेना था। और इनका मन था कि मैं अपने लिए साड़ी या लहंगा कुछ ले लूँ करवा चौथ के लिए। मैं बोले पता कि तो अभी तो आया भी नहीं स्टॉक, नवरात्रि टाइम आएगा, तो मैंने इनको फिर मना कर दिया कि नहीं लेते हैं। फिर इन्होंने बोला कि कुछ और लेना है तो वो ले लो, तो मेरे पास तो सब कुछ है ही, फिर भी बोले कि नहीं ले लो। तो बीच बीच में बोलती रहती है कि मुझे कुछ दिलाते नहीं है। तो फिर मैंने लोअर लिया और एक ब्लू कलर का टॉप लिया, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। बाकी जो भी शॉपिंग वगैरह करनी थी, इन्होंने भी अपने लिए कपड़े लिए हैं, वो भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो बस ये सारी शॉपिंग अभी हमारी हो चुकी है, और अभी रात के ना आई थिंक 8:30 के आसपास का भी टाइम हो रहा था। ये बोल रहे थे कि हम कहीं और चलते, फिर मैंने मना कर दिया। फिर गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।